आज माशाल्लाह काफी तादाद में खड़े हुए हैं। ये बेसिकली हमारे फादर्स के पास थे, फिर हमारे पास आ गए। माशाल्लाह बड़ी यूनिक चीज है, पाकिस्तान में तो नजर ही नहीं आती, तो इतने ज्यादा तादाद में कैसे इकट्ठे किए हुए हैं आपने? और हम लोग जो है वो वीकेंड्स पे राइड करते हैं। मुझे ये बताएं कि इस पे आप टूर्स वगैरह भी करते हैं आउट ऑफ सिटी, की क्या कॉस्ट आ जाती है अगर बंदा कोई नॉर्मल अगर लेना चाहे वेस्पा? यहाँ लोगों ने अपने घर के बाहर अपने आबाओ दाद का खड़ा किया होता है वेस्पा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाज़रीन लाहौरी चर्चा टीवी से अदनान खान। नाज़रीन उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। नाज़रीन आज हमारे पास पाकिस्तान की बड़ी यूनिक चीज़ वेस्पा, जो पाकिस्तान में बहुत कम नज़र आता है, और आज माशाल्लाह काफ़ी तादाद में खड़े हुए हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान वेस्पा क्लब के हमारे साथ एडमन मौजूद हैं, मलिक एहसन साहब। इनसे पूछते हैं कि ये कैसे सारी इन्होंने टीम बनाई और किस तरह का इनका ये सर्किट चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं एहसन साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। थैंक यू। एहसन भाई मुझे बताएं कि ये माशाल्लाह बड़ी यूनिक चीज़ है, पाकिस्तान में तो नज़र ही नहीं आती, तो इतने ज़्यादा तादाद में कैसे इकट्ठे किए हुए हैं आपने? ये बड़ा पुराना शौक है हमारा, ये बेसिकली हमारे फादर्स के पास थे, फिर हमारे पास आ गए, फिर हमने इनको रिस्टोर किया, और अब हम एज ए वेस्पा क्लब पाकिस्तान इनको जो है हमारा चैप्टर्स हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, और हम लोग जो है वो वीकेंड्स पे राइड करते हैं, और जो है वो यही हमारी एक्टिविटीज है। मुझे ये बताएं कि इस पे आप टूर्स वगैरह भी करते हैं आउट ऑफ सिटी के? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस पे हम टूर्स करते हैं, और जो है वो हम हिरन मीनार लाहौर से जो है वो बाहर के भी जो है वो सारे टूर्स करते हैं, आउट ऑफ सिटी भी। इनसाइड सिटीज़ तो हमारी राइड्स वीकली होती रहती हैं, लेकिन आउट ऑफ सिटीज़ भी जो है वो हम जाते हैं। अच्छा मुझे ना ये वेस्पा तो बड़ी यूनिक चीज़ है, पाकिस्तान में बड़ी कम नजर आती है, लेकिन इसकी एवरेज क्या, मुझे आप बताएं कि मैं आवाम को बताएं कि इसकी एवरेज क्या पर लीटर में क्या माइलेज देता है ये? ये एवरेज इसकी है ऑलमोस्ट 35 टू 40 ये करते हैं, और ये 150 cc होते हैं? हाँ ये 150 cc होते हैं। ठीक है बिल्कुल। माशाल्लाह बड़े प्यारे प्यारे वेस्पे सारे यहाँ पे खड़े हुए हैं, और इनका इनके क्या कॉस्ट आ जाती है अगर बंदा कोई नॉर्मल अगर लेना चाहे वेस्पा, मतलब जिस तरह से माशाल्लाह ये रेडी हुआ है, काफ़ी जितने भी सारे प्यारे वेस्पे खड़े हुए हैं, तो इनके क्या कॉस्ट आ जाती है? इट डिपेंड्स, डिफरेंट मॉडल्स की डिफरेंट कॉस्ट है, बट इट स्टार्ट फ्राम आप कह लें कि 1.5 लाख से शुरू हो जाते हैं, तो ऑलमोस्ट 4-5 लाख रुपये तक जाते हैं ये। इतना कॉस्टली है? हाँ बिल्कुल ये कॉस्टली है। आप कैसे सारा ये मैनेज करते हैं? ये बस जो है वो एक हमारी टीम है पूरी VCB की, वो सारी चीज़ें देखती है, राइट मैनेज करती है, और जो है वो इसी तरह चल रहा है हमारा। कि आज आपका क्या, कौन सा रूट पे जा रहे हैं आज, कहाँ पे इसकी राइड्स ले रहे हैं आप? आज हम जाएंगे डिफेंस फेज 8 ग्लोरिया, वहाँ पर जो है वो सारे अपनी राइड जो है वो जाकर एंजॉय करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, और दैट्स इट, फिर बाकी राइड वीकेंड एंजॉय करेंगे आप? हाँ बिल्कुल वीकेंड एंजॉय करेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया सर आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू। ले नाज़रीन ये पाकिस्तान वेस्पा यूनियन के सदर थे मलिक एहसन साहब, और इन्होंने हमें बड़े अच्छे तरीके से टाइम दिया, और ये पाकिस्तान की बड़ी यूनिक चीज़ अगर देखा जाए तो वेस्पा पाकिस्तान में बड़ा कम नज़र आता है, और अगर आए भी तो वो बड़ा मतलब खस्ता हालत में मोस्टली नज़र आता है। यहाँ लोगों ने अपने घर के बाहर अपने आबाओ दाद का खड़ा किया होता है वेस्पा, जिसको केयर नहीं करते, लेकिन आप ये देखेंगे माशाल्लाह सारे वेस्पे इतने ज़्यादा खड़े हुए हैं, अच्छी खासी तादाद में खड़े हुए हैं, और देखें आपके माशाल्लाह सारे वेस्पे मतलब मॉडिफाई सारे रेडी किए हुए हैं, और अभी ये DHA फेस 8 जा रहे हैं, ये पूरा ग्रुप इनका फेस 8 जा रहा है, और देखते हैं आगे कि ये क्या कर रहे हैं, और इनके साथ देखते हैं कि कैसी राइड ले रहे हैं ये। आ जाइए मेरे साथ आप।